राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी जी मेरे साथ मौजूद हैं और बटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था उसकी एसआईटी जांच के लिए यहां पर आए हैं और अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव कर रहे हैं। क्या लगता है पूरा जो मामला है, काफ़ी 11 साल, आज 11वीं वर्षी है, 11 साल बीत चुके हैं अब तक, किन सरकारों की कमियाँ रही या किस प्रशासन की कमियाँ रही जो अभी तक इसमें इंसाफ नहीं मिला है? अभी मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी। हर एक जख्म पे उसका इनाम मिलता है, वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरह। मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालते हुए हम जितनी भी सरकारें आ गईं, उन तमाम लोगों ने हमारे समाज के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस ने ये इनकाउंटर करवाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने भी मुझसे ये सवाल किया कि बटला हाउस इनकाउंटर को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए और पिछले 11 उन्होंने ये खुद वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करते हैं सिख दंगे के लिए, 84 के लिए और बटला हाउस इनकाउंटर के लिए एसआईटी बनाएंगे। उन्होंने सिख दंगे की एसआईटी तो बनवा दी लेकिन बटला हाउस इनकाउंटर की एसआईटी नहीं बनवाई। हम उनको बार बार खत लिखते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो मजबूर होकर के हम लोगों ने 2 साल तक उनका घर नया, पिछली मरतबा भी उन्होंने वादा किया हम इसको करवाएंगे, उन्होंने नहीं किया। आज फिर हम आए हैं, अभी वो बुलवा रहे हैं, हमारी मुलाकात होती, हमारे लोग जाएंगे, बात करेंगे, मैं तो नहीं जाऊँगा। मौलाना ताहिर मदनी साहब की अध्यक्षता में लोग जाएंगे, मिलेंगे, अगर वो कोई टाइम देते हैं, बात करते हैं तो बात बनेगी, वरना ये लोकतंत्र है। हमने शीला दीक्षित से कोशिश की, उन्होंने नहीं माना, हम लोगों ने आवाम में जाकर के अपनी बात कही और उन्हें सरकार से बाहर किया। हम इस मरतबा फिर आवाम को के पास जाएंगे, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम सरकार को उखाड़ फेंकें। अच्छा रशादी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब 84 की और बटला हाउस एनकाउंटर की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी कि दोनों में एसआईटी गठित की जाएगी, तो एक में हो गई और एक में नहीं हुई, इसके पीछे की क्या वजह? उसकी वजह की मुसलमानों का वोट चाहिए, जो ये सेकुलर सेकुलरिज्म के नाम पर जो सरकारें आती हैं वो झूठे वादे करके मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना चाहती हैं। और कुछ मुस्लिम समाज के दलाल भी ऐसे हैं कि जिनकी दलाली की वजह से वो ठीका ले लेते हैं, तो हमारे मसाइल को कोई पूरा नहीं करना चाहता, वो समझता कि इनको हम लॉलीपॉप दे देंगे फिर दोबारा वोट दे देंगे बीजेपी से डरा करके। तो अब मुसलमानों ने बीजेपी से डरना छोड़ दिया है, बीजेपी आए कोई आए क्या कर लेगी? बीजेपी आ गई है 6 साल से, क्या मुसलमान इस मुल्क में नहीं रहता? इन्होंने आपके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुस्लिम लीडर हैं, कई पार्टियों में मुस्लिम लीडर हैं, वो खड़े हुए हैं, उन्होंने मांग की है कि इसको इसके जांच के घेरे में लाया जाए, ये फेक एनकाउंटर है या क्यों उन्हें मारा गया है? देखिए खुद आप पार्टी में अमानतुल्ला साहब बटला हाउस के नाम पर वो MLA बने, उससे पहले आसिम मोहम्मद खान बने, उससे पहले आपके परवेज हाशिम बने, लेकिन तमाम ये लीडर नहीं है, डीलर है, मुस्लिम समाज की डीलिंग करते हैं जाकर के, ये मुस्लिम समाज के हितैषी नहीं है। तो अब इन लीडरों को भी नंगा कर, डीलरों को भी नंगा करना है, ये मुस्लिम लीडर नहीं है, डीलर है, तो इन डीलरों को भी हम नंगा करेंगे और इनको भी हराएंगे। अब क्या लगता है कि अब कब तक ऐसा आते रहेंगे, क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब BJP की सरकार है, आपको लगता है कि अब सुनवाई होगी? देखिए हमने हम गृह मंत्री को भी आज हम ज्ञापन देंगे कि आप जांच कराइए, हम प्राइम मिनिस्टर को भी आज अपना ज्ञापन देंगे जांच के लिए, देखते हैं। यहाँ आप कब तक हैं, मतलब आज जो आए हैं आजमगढ़ से चलकर? अभी उन्होंने नहीं, आजमगढ़ से नहीं, पूरे मुल्क से लोग आए, एक संकेतिक एक अलामती धरना है, हम याद दिहानी कराने आए हैं, हमें भीड़ लगानी होती तो जिन लोगों ने हमें 2009 में 10 में 11 में 12 में देखा है कि हम बहुत बड़ी भीड़ लगाते हैं,
हजारों और लाखों की भीड़ लखनऊ में लगाई हमने इसी मसले को लेकर के। दिल्ली में कम से कम 35-40 हजार की भीड़ लगाई हमने, वो ताकत आज भी हमारे पास है। लेकिन एक संकेतित धरना है कि आपने वादा किया है ताकि आपको याद दिला दे, याद दहानी कराने। अगर आप नहीं करेंगे तो हम एक एक घर जाएंगे और केजरीवाल को हुकूमत उखाड़ फेंकेंगे।